ये देखें फ्रेंड्स, आज की सैड न्यूज़ है। मेरे वो असील जो है ना बच्चे निकलवाए हुए थे, अल्लाह जाने ये कैसे मर गए हैं। फाइनली जी वाइट इरादे के मेरे हाथों पे आ गया है। मैंने कहा था कि इसको मैं अपने हाथ से खिलाना सिखाऊंगा। रहते मेरे हाथ पे दाना वाना खाता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर अफियत से होंगे। अच्छा भाई, मैं हूं जैद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स भाई मलाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो वीडियो को बढ़ाते हैं भाई आगे की तरफ। ये आप जैसा कि देख सकते हैं मेरा बर्ड चैनल है। तो मैं हमेशा आपको अपने बर्ड्स की वीडियो बना के तो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये देखें, एक हमारे पड़ोसियों ने कुत्ती लेके आए। ये देखें, ये पेंटर कुत्ती है। इधर मेरे ये, आज मैं ऊपर आया हूँ मोमटी के ऊपर। तो सैड न्यूज़ ये है कि बताना ये था कि ये मेरे चूज़े जो है ना, इनकी हो चुकी है डेथ। दो चूज़े, एक कल इसकी डेथ हो गई थी, एक आज इसकी डेथ हो गई है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या वजह है, लेकिन ये इनकी हो चुकी है डेथ। चलें ये देखें फ्रेंड्स, आज की सैड न्यूज़ है। मेरे वो असील जो है ना बच्चे निकलवाए हुए थे, अल्लाह जाने ये कैसे मर गए हैं। ये दो पट्ठे जो है ना छोटे, ये मर गए हैं। ये बड़ी आज की सैड न्यूज़ है मेरे लिए। ये जी मेरे दो चूज़े जिनकी आज डेथ हो गई है, एक कल और एक आज, पता नहीं इनको क्या हुआ है। आज कल, शाबाश। ये जूनियर शेरू और एक वो, और ये एक वाइट वाला, ये तीन रह गए हमारे। अल्लाह पाक ने नजरे बद से बचाए। शेरू को आप अक्सर बेशतर देखते रहते हैं मेरे हाथ पे दाना वाना खाता रहता है। ये देखें, एक अदद कुत्ती आ जा। देखें कल तक ये पाँव ही थे, गट्ठे भागते खेलते कूद रहे थे, लेकिन आज ये तीन रह गए हैं। दो की डेथ हो गई है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है थोड़ी देर पहले वीडियो क्लिप पे। उसमें पता नहीं अब ये मुर्गी इनको मार रही है या क्या है, कोई समझ नहीं आया। हूँ तो इनको हाथ पे बाजरा वगैरह, काफ़ी दिन हो गए थे ट्राई नहीं किया था, तो आज इनको मैंने सोचा पे फिर हाथों पे खिलाया जाए बाजरा। ये आपके सामने सारे आ चुके हैं मेरे हाथ के ऊपर। इधर माशाल्लाह से चूज़ों वाली मुर्गी, इसके साथ भी पांच चूज़े हैं। इसको भी दाना पानी इधर डाल दिया है। आज रात को बहुत बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम आज बहुत अच्छा है और सारे परिंदे जो है खुश हैं। लेकिन मैं बड़ा सैड हूँ कि मेरा जो है ना दो चूज़ों की डेथ हो चुकी है। शेरू एंड कंपनी, इनको चेक करें माशाल्लाह से। इनको भी बाजरा लेके आए हाथों पे,
काफ़ी दिन हो गए थे ये भी हाथों से सही खा नहीं रहे थे, पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन आज जो है इन्होंने सारा कुछ चट कर दिया है एक मिनट के अंदर अंदर, ये देख सकते हैं। ये ले, शेरू को मौका नहीं दे रही है। ये नहीं आते, ये डरते हैं बहुत, ये हाथों पे नहीं आते। ये देखें इसको, ये आ तो रही है लेकिन डर रही है, हाथ अभी मेरा काफ़ी दूर है लेकिन ये डरते हैं। ये देखें ट्राई कर रही है, हाँ देखें भाग जाती है पीछे। आ जा आ जा, जी वाइट हीरा भी मेरे हाथ पे आ गया है पहली दफा, ये मेरे हाथों से खा रहा है। इंशाल्लाह मैंने कहा था कि मैं इसको भी हिलाऊंगा और आज मैं कामयाब हो गया हूँ, इसको हिला लिया है मैंने अपने हाथों के ऊपर। बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश के बाद ये अब मेरे हाथों पे आया है। फाइनली जी वाइट हीरा देखे मेरे हाथों पर आ गया है, मैंने कहा था कि इसको मैं अपने हाथ से खिलाना सिखाऊंगा और आज मैंने कामयाब हो गया हूँ। ये चीज़ पास ना टाइम नहीं होता, मेरे पास टाइम हो तो मैं इस सुरखाब को भी अपने हाथों से खिलाना सिखाऊं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि टाइम नहीं होता ना, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाता। ये सामने आपके सुरखाब है माशाल्लाह से, चेक करें इसको, ये भी आपको रोज़ाना की बुनियाद पे आप मैं दिखाता रहता हूँ, क्योंकि इसको हमने बंद किया हुआ है इधर, वजह आपको पता है, ये अंडे और बच्चे, अंडे पी जाता है और बच्चों को खा जाता है। चलते हैं तो मैं एक और चीज़ आपको चेक करवाता हूँ, ये जोड़ा जो है ना मैंने इधर कर दिया हुआ है, क्योंकि ये जो नर है ना इसने बड़ा मेरा नुकसान किया है, इसने बच्चे खा लिए हुए हैं। ये पहले तो इसने कबूतरों के बच्चों को मारा है, कल दूसरे केज में था एक मुर्गी के बच्चे को इसने मार दिया है, एक मुर्गी का बच्चा पता नहीं कैसे मर चुका है, उसका मुझे कोई इल्म नहीं है कि वो कैसे मरा है, लेकिन एक को इसने मारा है, इसलिए इसको सजा के तौर पे इधर कर दिया हुआ है। आज मुझे ये खुशी हुई है कि मैंने हीरा को जो है ना अपने हाथों पे खिलाया है बाजरा, ये आया है मेरे हाथ पे बाजरा इसने खाया, जो कि मेरे लिए खुशी का बायस है। ये कैसे अंदर चली गई है, अंदाज़ा करो, ये अंदर चली गई है, इसको अब कैसे निकालेंगे भाई, करके खुद ही निकल गई है भाई, अंदर चली गई थी, इन सुराखों से अंदर भी जाया जा सकता है, इसका मतलब है वो छोटी पतली है ना, कमज़ोर सी है, तो ऐसे ज़ोर दे के तो अंदर चली गई और ऐसे ही बाहर भी निकल आई है। इधर चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं बच्चे वगैरह, ये अंडों में बैठा हुआ है, ये बच्चे हैं जी, दो दो बच्चे हैं, इधर भी मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है आज इसने निकाले हुए हैं बच्चे, नहीं आज अंडे ही हैं, तो ये किसने फिर तोड़ा है, ये तो बच्चे पहले के हैं। और किसी ने नहीं अंडे वगैरह दिए हुए, ये भी अंडों पे बैठा हुआ है, ये भी इसके अंडे, इनका दाना पानी हो चुका है इधर, इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे ये तो जोड़ा है जिसने बच्चे निकाले हुए हैं उधर छोटे वाले, ये भी मादी है वो अंडे दिए हुए, ये है जनाब फैंसी के बच्चे माशाल्लाह से, दो दो फैंसी के बच्चे हैं ये, क्यूट क्यूट से, एक ग्रेस आया है
और एक जो है ना ब्राउन सा है। ये फैंसी देखें, स्टील मेरी हाथों की तरफ देख रहे हैं कि हमें और मज़ीद बाजरा डाला जाए, तो डालते हैं इनको मज़ीद बाजरा भी। ये लो भाई, क्योंकि इन्होंने बच्चे वगैरह निकाले हुए हैं तो ये बच्चों को फीडिंग वगैरह करवाते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा मकदार में डालते हैं। ये लें जी, इनका हो चुका है दाना पानी। फिर जूनियर शेरू गए, बस तीन ही रह गए हैं बेचारे। पता नहीं, अब मुझे ये समझ नहीं है कि इनको इस मुर्गी ने मारा है या किसने मारा है। एक तो कबूतर ने मारा था, लेकिन एक जो है अभी सुबह वो मारा है। कोई समझ नहीं वो कैसे मारा है, क्या किया है, उसके साथ हुआ क्या है, कोई समझ नहीं आ रही। ये तो स्टिल लगे हुए हैं खाना पीने में मसरूफ़, अपना बाजरा वगैरह खा रहे हैं। शेरू गैंग का भी हो चुका है, इधर शेरू गैंग का भी हो चुका है दाना पानी। शेरू ऐसे खड़ा है देखें, जैसे शेर ऐसे ना छाती तान के खड़ा होता है। शेरनियाँ भी दो साथ हैं, दो पीछे बैठी हुई हैं। इन सब का इनको ये जो है ना डाला था, तरबूज के छिलके वगैरह भी डाले थे इनको, ये भी इन्होंने खा पी लिए। दाना पानी भी हो चुका है इनका, पानी ये देखें वाफर मकदार में पड़ा हुआ है, गर्मी की वजह से दो दो इनके लिए रखे हुए हैं। इधर हिजा गैंग का ये चेक करें, लंगर पानी देखें, दाने वगैरह काफ़ी पड़े हुए हैं। और इधर ये जो है इनका वाइट हीरा गैंग सुरखाब और एक कबूतर का जोड़ा यहाँ पे हमने रखा है, तो इन सब का दाना पानी हो चुका है। चेक करें शेरी, आज मॉर्निंग के टाइम इतनी बारिश हुई है ना, इतनी बारिश हुई है जैसे बरसात में होती है ना बारिश, ऐसे बरसात बारिश का समान था। पूरा ये छत पानी के साथ फुल थी, ये सारे केजीज वगैरह नीचे आपको दिखाते हैं चलते हैं। वो जो नीचे लोगों ने लहसुन वगैरह इधर सब्जियां वगैरह बीजी हुई हैं ना, क्या था अभी भी खड़ा हो पानी, ये देखें ये सारा लहसुन वगैरह लेट चुका है। ये फुल था ये प्लाट पानी के साथ, तो झालाबारी भी हुई है। ये इधर पौधे वगैरह चेक करें मेरे, माशाल्लाह से हरे भरे। झालाबारी हुई है, झालाबारी जो है ना इसकी वजह से ये हमारे अंगूर काफ़ी सारे गिर गए हुए हैं। इधर ये फूल चेक करें माशाल्लाह से, ज़बरदस्त फूल पौधे, हर चीज़ निखर चुकी है बारिश की वजह से। बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन अभी जो है ना धूप है कड़ाके की, ये देख सकते हैं आप, बहुत सूरज ये आ रहा है तो काफ़ी धूप है। ये मैं चूना लेके आया था यहाँ पे, मैंने चूना लगवाया हुआ है, इधर लगाना है। कहते हैं कि छतों पे चूना वगैरह लगाओ तो वो ठंडी, जब सूरज इतनी रिफ्लेक्शन से धूप नहीं लगती। एक मैंने यहाँ पे ना इस तरह ग्रीन सा कपड़ा लेके आया हूँ, वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये शेरू गैंग इधर खड़ी है, इधर चेक करें, ये जवान स्टील लगे हुए हैं, इनको बाजरा वगैरह डाल दिया। उधर शेरू और शेरनियाँ। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स आज की वीडियो का करते हैं अख्ताम, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, तो मिलते हैं कल एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।